देखिए, कल कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं बांदीपुरा की, जहां पर शहीद हुए जवान वसीम अहमद डार के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देखिए तस्वीरें, 3 जवान जिन्होंने शहादत दी कुलगाम में, और यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। किस तरीके से देश के लिए अपने जान न्योछावर की और उनकी शहादत को यहाँ पर सलाम किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांदीपुरा की, जम्मू कश्मीर से तस्वीरें, जहां पर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, श्रद्धांजलि वहां पर दी जा रही है। तस्वीर आप देख लीजिए, कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, और इस दौरान सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसका हिस्सा बने हैं। सेना के जवान आप देख रहे हैं, हर कोई यहाँ पर गमगीन है। देश के लिए ये शहादत, और जवान वसीम अहमद डार के घर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है पूरे सैन्य सम्मान के साथ में। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और सेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।